गुड मॉर्निंग, दिस इज रुपेश कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम ई पाठशाला रामगढ़। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि ये हमारा बायोलॉजी क्या है, ये जीव विज्ञान क्या है। बायोलॉजी दो शब्द के मिलने से बना है, वन इज बायोस, अनदर वन इज लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, और ये पादपों में और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादपों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहेंगे और जंतुओं के अध्ययन को हम लोग जंतु विज्ञान कहेंगे। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी, एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज आवर जूलॉजी। तो आज हम लोग ये जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने और कब की। तो ये जो कोशिका है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका का एक निश्चित आकृति होगा, एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा, और उसका एक निश्चित फंक्शन होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो कोशिका है, सजीवों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। हम लोग इसे अच्छा से समझेंगे। कोशिका की खोज किसने और कब की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया एक सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, और वो पाए कि पादपों में इस तरह की संरचनाएं हैं, ये हेक्सागोनल, और प्रत्येक भाग जो है एक एक कोशिका से बना हुआ है। ये रॉबर्ट हुक ने बनाया था। हम लोग देखना चाहेंगे, रॉबर्ट हुक ने इस तरह की आकृति देखी और इस आकृति को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। ये तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ये सिंगल सेल पेशीय कोशिका। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। आरबीसी का हम लोग देखते हैं, ये आरबीसी सेल की है, प्याज की कोशिका। हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे क्लास में, कि एक प्याज को लेंगे, प्याज के छिलकों को निकालेंगे, और प्याज के छिलके को अच्छे से नीडल की सहायता से उसके पतली परत को निकालेंगे, और उसे एक शीशे के स्लाइड में रख देंगे, और उसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ये संयुक्त माइक्रोस्कोप हो गया। इसमें हम लोग यहाँ से देखेंगे और इसको सेट करेंगे, यहाँ पे स्लाइड रखेंगे। अब प्याज के सबसे पतली झिल्ली को हम यहाँ रख के देखेंगे, तो उस तरह ये जो प्याज की जो कोशिका है उसकी रचना इस प्रकार रहेगी। ये प्याज की कोशिका हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्याज की कोशिका। ये इस तरह से दिख रहा है, ऐसे ये सारा प्याज की कोशिका। तो प्याज की कोशिका क्या हो जाएगी रचना, ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये प्याज की कोशिका होगी। और इन कोशिकाओं के समूह को अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो ये जो प्याज की कोशिका है, ये प्याज का जो उत्तक है,
ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे उत्तक, और एक एक भाग को हम लोग कोशिका बोलेंगे, एक एक भाग को कोशिका। तो हम लोग देख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका का एक निश्चित आकृति है, और ये एक काम करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पेशीय कोशिका है, हमें मसल्स को मसल्स के साथ ज्वाइंट करके रखता है, मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइंट करके रखता है। आरबीसी की कोशिका है, हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो है लाल रुधिर का निकाय है, वो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। और ये प्याज की कोशिका है, इसके अंदर ये जो रचना दिख रही है, यहाँ पर जल है, वाटर मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। तो ये जो कोशिका है एक संरचनात्मक है, मतलब डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे और अच्छे से समझते हैं कि अगर हमारा जो दीवार है, जो घर की जो दीवार है, वो इस तरह से बनी हुई है, ये घर की दीवार है, ये हम लोग मान लेते हैं घर का वॉल है, और ये प्रत्येक जो ईंटा है वो एक कोशिका का कार्य करता है। मतलब ये जो ईंट हो गया, दीवार हो गया, दीवार का ईंट, ये कोशिका है। मतलब किसी भी उत्तक में प्रत्येक अंग को हम लोग कोशिका बोलेंगे, एक पार्ट उसको सेल कहा जाता है, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं केंद्रक है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। तो इस कोशिका में यहाँ पे जितनी सारी संरचनाएँ रहेगी उनको बोला जाएगा कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर, इसके अंदर जो सारी संरचनाएं हैं उनको हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और इस पूरे को हम लोग बोलेंगे जीव द्रव्य। एक नोट करने वाली बात है कि एक कोशीय जंतु वे जंतु होते हैं जिनमें, जिनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, और इनके अंदर जितनी भी सारी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे उत्सर्जन हो या पाचन हो या श्वसन हो, ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होती है। तो उन एक कोशीय जंतुओं में मेरा है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, ये सारी चीजें इनके उदाहरण हैं। हम लोगों ने देखा है अमीबा के बारे में कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, और इनका जो शरीर रहता है ये एक कोशिका का बना होता है, और इसके द्वारा ये सारी अपनी सभी क्रियाएं संपादित करती